वर्ब। तो वर्ब के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब के बिना अगर हम लोग बात करें तो किसी भी सेंटेंस को बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग यही नहीं बता पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो वर्ब टेंस व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। या इसको हम कह सकते हैं कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया। सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी इमोशन या कोई भी हैपनिंग या कोई भी फीलिंग जो भी एक्सप्रेस की जा रही है उस सभी को हम लोग वर्ब कहते हैं। मैंने तीन टाइप की वर्ब्स बताई आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स कौन सी होती हैं? कि वो वाली वर्ब्स जिनके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि सब्जेक्ट इस समय क्या कर रहा है। लाइक जंप, सिट, सिंग, टच, ईट, ये सारी के सारी इस टाइप की और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, इनको हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स। नेक्स्ट फीलिंग वर्ब्स। फीलिंग में लव, हेट, एडोर, नो, इस तरीके के वर्ब जिनमें कि हमारी फीलिंग का पता लगता है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की फीलिंग का पता लगे उसे हम कहते हैं फीलिंग वर्ब। कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट की स्टेट या कंडीशन का पता लगाती हैं, जैसे कि स्टेट और कंडीशनल वर्ब्स। Is, am, are, was, were, seem, etc. ये सारी के सारी वर्ब्स होती हैं कंडीशन वर्ब्स। इन वर्ब्स को जब हम लोग प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको के ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। मॉडल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिनको लगाने के बाद हमें एक और मेन वर्ब की जरूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ किसी चीज के होने को बताती है कि उसका टेंस क्या है, मूड क्या है, किस तरीके से वो बोला गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इज, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है और इज के बाद मुझे एक मेन वर्ब लगानी पड़ेगी। एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये किस टाइप की वर्ब्स है? हेल्पिंग वर्ब्स। ये सेंटेंस को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, लेकिन हमें केवल हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा, हमें एक मेन वर्ब भी लगानी पड़ेगी जिससे कि सेंटेंस कंप्लीट हो। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स वो होती हैं जो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी बताएं, किसी भी एक्शन की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बताएं।
होने या ना होने की, जैसे कि कैन, कुड, होगा, हो सकेगा, शुड, करना चाहिए, ऑट टू, मस्ट, मस्ट का मतलब बिल्कुल करना है आपको, मतलब किसी भी चीज की, किसी भी एक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर सकता है, ये हो सकता है, ये चीजें किसमें आती है, मॉडल वर्ब में। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब टू और मोर पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने से बनता है। हम लोग दो पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं जिसमें कि एक वर्ब होती है, तो वो दोनों को मिला के हम एक सिंगल वर्ब बनाते हैं और उसका मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं बात करूं गो बाय, ले ऑफ, गेट आउट, रन अवे, ये इस टाइप की कुछ वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब आते हैं हम लोग लिंक वर्ब पे, यानी लिंकिंग वर्ब्स। ये वर्ब्स होती हैं जो लिंक बताती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीता इज द डॉटर ऑफ मिस्टर रवि। यहां जो इज है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, जो सीता और मिस्टर रवि के बीच में लिंक बता रही है कि सीता इज द डॉटर। लिंक क्या है? डॉटर। नेक्स्ट राम इज इन द पार्क। यहां पर भी जो इज है वो लिंक बता रहा है राम और पार्क के बीच में कि राम कहाँ है? पार्क में। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस फॉर्म्ड बाय वर्ब्स लाइक इररेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो चलिए इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।